आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करेंगे जिसके थ्रू आप गवर्नमेंट कॉलेजेस से जीएनएम या फिर एएनएम कर सकते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसकी लास्ट डेट क्या है, कैसे अप्लाई करना है एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप किसी ऐसे स्टूडेंट्स को जानते हैं जो एएनएम जीएनएम गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहता है, डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश का ये एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो मेल एंड फीमेल दोनों एलिजिबल है जीएनएम कोर्स के लिए, लेकिन एएनएम के लिए सिर्फ और सिर्फ वुमेन अप्लाई कर सकती है। सबसे पहले हम अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जीएनएम जो कोर्स है, जो कि 3 साल का डिप्लोमा कोर्स है, ये डिग्री नहीं होता, ये डिप्लोमा होता है, तो 3 साल का डिप्लोमा कोर्स करने के लिए यहाँ पे 9 गवर्नमेंट कॉलेजेस है जिसमें 453 सीट्स है। क्वालिफिकेशन के लिए आपके जो 12th है उसमें इंग्लिश होना कंपलसरी है। अब 12th आपने किसी भी बोर्ड से किया है, आप यहाँ पे एलिजिबल हो। ओवरऑल आपके 45% होने चाहिए अगर आप जेंडर ओबीसी से बिलोंग कर रहे हो, और अगर आप SC ST से बिलोंग कर रहे हो तो मिनिमम 40% रिक्वायर्ड है अप्लाई करने के लिए। साइंस स्ट्रीम होना कंपलसरी है, और एएनएम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं जीएनएम कोर्स के लिए, बट आपका जो एएनएम ट्रेनिंग है वो ऐसे इंस्टीट्यूशन से होने चाहिए जो INC से एफिलिएटेड हो और स्टेट मेडिकल फैकल्टी से रजिस्टर्ड हो। दूसरी तरफ एएनएम की बात करते हैं तो एएनएम के लिए टोटल 36 गवर्नमेंट कॉलेजेस है जिसमें 1800 टोटल सीट्स है। पूरी लिस्ट आप कॉलेजेस की यहाँ पे देख सकते हैं, इन सारे कॉलेजेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पे आपको एक प्रायोरिटी लिस्ट बनानी होगी, तो 36 कॉलेजेस में से जो भी आप प्रायोरिटाइज करना चाहो कर सकते हो, और जितने नंबर ऑफ कॉलेजेस आप देना चाहो दे सकते हो। तो आपको एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाना होगा जो आपके प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग मेंटेन किया गया हो। उसके बाद यहाँ पे वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिनका 12th यूपी बोर्ड या फिर इसके इक्विवेलेंट बोर्ड से पास हुआ हो। मिनिमम 45% रिक्वायर्ड है, स्ट्रीम मैटर नहीं करेगा, आपका साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी भी बैकग्राउंड से आपने 12th किया है आप एलिजिबल हो। इसके बाद हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो आप एएनएम या फिर जीएनएम दोनों में से कोई भी कोर्स के लिए अप्लाई करते हो तो 17 to 35 ईयर्स आपकी एज लिमिट रहेगी। रिलैक्सेशन मिलेगा यहाँ पे, बट उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा जो यूपी के कैंडिडेट्स है। अदरतन यूपी स्टूडेंट्स को यहाँ पे एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, और ना ही कोई और अदर रिजर्वेशन क्राइटेरिया अगर होगा तो वो भी आप बेनिफिट नहीं ले पाओगे। सो यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन है SC ST के लिए 5 ईयर्स से एंड OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए 3 ईयर्स से। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे, आपके पास अगर आप OBC नॉन क्रीमिलियर एंड EWS कैटेगरी में आते हैं तो इसके लिए आपके पास जो सर्टिफिकेट है उसका 31 जुलाई 2023 वैलिड डेट है, यानी कि इस डेट तक आपकी जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं है तो डेट एक बार आप चेक कर लो, उसे रिन्यू करा लो। रिजर्वेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो सीट्स है 100% सीट्स में से कुछ परसेंट सीट्स पर्टिकुलर केस के लिए रिजर्व रहता है। तो सबसे पहले जीएनएम की बात करें तो यहाँ पे 10% सीट्स मेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है, और 15% सीट्स उन स्टूडेंट्स या उन एएनएम कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है जो पिछले 5 साल से मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट NHM NRHM ऑफ UP में सर्व कर रहे हैं। सो अगर ये 15% सीट्स फिल्ड नहीं होती है उन एलिजिबल कैंडिडेट के थ्रू, तो बाकी जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है लाइक जिन्होंने 12th पास किया है उन स्टूडेंट्स के थ्रू फिल किया जाएगा। दूसरी तरफ एएनएम की रिजर्वेशन की बात करें तो 80% सीट्स यहाँ पे वुमेन के लिए होता है, एंड बाकी जो 20% सीट्स है ये उन वर्कर्स के लिए है लाइक आशा वर्कर्स जिन्होंने एटलीस्ट पिछले 5 साल में सेटिस्फैक्ट्री वर्क किया है एज अ आशा वर्कर्स इन स्टेट ऑफ UP। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सो यहाँ पे कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको नहीं देना है, ना ही कोई पर्सनल इंटरव्यू होगा, डायरेक्ट एडमिशन होता है अगर आपके 10th and 12th में अच्छे परसेंटेज आए हैं। तो यहाँ पे आपके 10th and 12th के परसेंटेज जो है वो एवरेज परसेंटेज लिया जाएगा, एंड उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट रिलीज की जाएगी। सो इम्पॉर्टेंट है कि आपके इंटरमीडिएट एंड हाई स्कूल में परसेंटेज अच्छे हो, तब जाके आपके चांसेस ज़्यादा होंगे एएनएम या जीएनएम के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के। तो उसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, लास्ट डेट है 31 जुलाई 2023, एंड जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सारे वो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं।
ये है आपके जीएनएम कोर्स के लिए, अगर जीएनएम के लिए अप्लाई करते हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, और अगर आप एएनएम के लिए अप्लाई करते हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। अब देखो, जब आप अप्लाई करते हो तो कोर्स सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा, आप एएनएम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो या जीएनएम के लिए। दोनों कोर्स के लिए आपको 200 रुपीज़ पे करना है अगर आप जनरल से बिलोंग कर रहे हो, और अगर आप रिजर्वेशन में आ रहे हो SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर तो आपको 100 रुपीज़ पे करना है। पेमेंट आपका ऑनलाइन होगा, अप्लाई आप ऑनलाइन करोगे, और ऑफिशियल साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। और कोई डाउट हो आपको इस फॉर्म से रिलेटेड, डेफिनेटली आप हमें कमेंट कर सकते हो, और ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।